अक्का साहिब ने अब ईशा और सवी को बदनाम करने के लिए घटिया चाल चल दी है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब सवी का दिल टूट गया है। सवी की बेइज्जती करने के लिए उन्होंने अब पहुंचकर कॉलेज में प्रोजेक्टर पर कुछ ऐसा दिखाया है स्टूडेंट्स को, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है। क्या किया है अक्का ने ऐसा, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल यहाँ पर अक्का साहिब जैसे ही कॉलेज पहुँची, वो टकराई सीधा ईशा से। दरअसल वो पहुँच तो पहले गई थी, लेकिन वो ईशा के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो ईशा की बेइज्जती कर सके, उसे नीचा दिखा सके। और ईशा के आते साथ उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसकी बेइज्जती करने की। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब सभी गिरते गिरते रह गई और ईशान ने उसे संभाला, तो इस बात का वीडियो बनाकर दुर्वा ने भेज दिया अक्का साहिब को। अक्का साहिब ने अब इसी वीडियो को प्रोजेक्टर पर दिखा दिया है और ऐसा जताया है कि मानो यहाँ पर अब कॉलेज के अंदर सवी और ईशान आशिकी कर रहे हैं। यहाँ पर जब फेस्टिवल में इस वीडियो को दिखाया गया तो ये वीडियो देखकर सवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे ये बात समझ नहीं आई कि उसको बेइज्जत करने के लिए इतनी बड़ी चाल चली गई है। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि अब अक्का साहिब जो है वो किसी भी तरीके से नीचा दिखाने में ईशान, सवी और ईशा को पीछे नहीं रहने वाली। जी हाँ, ईशान भी अब सवी और ईशा का साथ दे रहा है और इसीलिए अब अक्का साहिब ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन अब ईशान का भी साथ नहीं देगी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब फेस्टिवल में जब ईशान और सवी का इतने करीब आते हुए वीडियो दिखाया जाएगा, तब क्या सवी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी या फिर सवी एक बार फिर से अक्का साहिब को करारा जवाब देने में सफल होगी? आप क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।